नमदू वन रसूल महम्माफ़ुबिशि बसमीम आई वेलकम यू इन दीरीज़ ऑफ ऑसफी ऑफ पैथोलॉजी इस सीरीज़ में हमने कम्प्लीट पैथोलॉजी के ऊपर उसकी इंस्ट्रूमेंट्स उसका पैटर्न उसकी हिस्टोलॉजिकल स्ल जो हैं वो उसके ऊपर लॉन्ड प्रैक्टिकल जो टेस्ट होते हैं वो करने हैं सो so, ये इसकी सेकेंड वीडियो है जिसमें हम जो है लैब में इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे और इनके ऊपर जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बनता है या पास पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो कवर करेंगे मैं इन इसको साथ साथ ही चीज़ें थी ऐसे भी बताता जाऊंगा कि एक दफ़ा ये वीडियो देखने से उसमें भी तैयार हो जाएगी सो फर्स्ट हमारे पास जो पिक्चर है वो बायोप्सी नीडल्स की है ये बायोप्सी नीडल्स जो हैं सारी लैब इंस्ट्रूमेंट्स सारी लैब्स में एज इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं होती और ना ही इतनी ज़्यादा आती है लेकिन कुछ लैब्स में कुछ यूनिवर्सिटीज की लैब्स में अवेलेबल है तो इस वजह से इसको यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है इसको यहाँ से देख के आ, अच्छे से रिकॉग्नाइज किया जा सकता है इसके ऊपर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आ सकता है टिश्यू ग्राफ्ट का और आ, इसका स्पेसिफिक जो है यूजेज पूछ सकते हैं नेक्स्ट वन है एल मीडियम जिसको लोविस्टन जेंसन मीडियम कहते हैं ये माइको बैक्टीरियम के लिए कल्चरिंग uh, के लिए यूज़ होता है इसकी निशानी ये है कि ये टेस्ट uh, बॉटल्स होती हैं जो कि ऊपर से कवर्ड होती हैं उसमें होता है और ये जो होता है वाइटिश uh, सा मिल्की मिल्की सा होता है और इसका निशानी ये है कि ये टेस्ट में होता है बाकी सारे जो मीडियम्स हैं मोस्टली वो पैक्टी डिश में होते हैं नेक्स्ट वन है ये हमारे पास डिफरेंट तीन तरह के स्टेन है ये जेड स्टेनिंग के लिए यूज होते हैं इस पूरी स्टेनिंग ये जेड स्टेनिंग जो है ऑब्जर्व प्रैक्टिकल में भी आ जाती है और अनऑब्जर्व में भी आ जाती है सबसे पहले हम कार्बोल फ्यूशन यूज़ करते हैं बैक्टीरिया के ऊपर बैक्टीरियल क्लोनी पे डालते हैं उसके बाद उसको वॉश करते हैं फिर उसमें जो है ए सी डी कोलराइजर करते हैं वो कंप्लीट जो है कार्बन फ्यूशन का जो कलर होता है वो ख़त्म हो जाता है दैन हम उसको दोबारा वॉश करते हैं और उसमें मिथिलीन ब्लू डालते हैं सो ये जेड एंड स्टेनिंग का कंप्लीट प्रोसीजर भी मैंने बता दिया और ये तीन इसके स्टेन्स पड़े हुए हैं यहाँ से आराम से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं ये बेसिकली आगे से पता चलेगा चल ये डिस्पेंसर है हमारा और ये भी ज़्यादातर जो लैब्स में होता है यूज़ नहीं होता इस वजह से यूज़ नहीं होता तो एग्जाम में कम आते हैं डिस्पेंसर जस्ट बैक्टीरिया को या क्लोनीज को डिस्पेंस करने के लिए यूज़ होता है डेड इट ऑटोक्लेव बड़ा इंपॉर्टेंट है इसकी अभी तो पैकिंग वाली पिक्चर हम देख रहे हैं इसकी एक और पिक्चर है जो कि ज़्यादा वाजह वहाँ से देखेंगे जिसके ऊपर जो मोस्ट क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आता है ऑटोक्लेविंग का चूँकि ये जनरल बैक्टीरियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है तो इसकी जो इसमें हम तीन तरह की जो चीज़ें वो मैंटेन करते हैं एक तो प्रेशर होता है एक टेम्परेचर होता है एक टाइम होता है इन तीनों के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं यही इसकी एप्लीकेशन भी है तम, जो हम स्टीम प्रेशर करते हैं वो 15 पाउंड्स पर स्के इंच होता है टाइम पीरियड 15 मिनट होता है टेम्परेचर 121.5 डिग्री सेल्सियस होता है और ये यूज़ इसलिए होता है ताकि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स कल्चर मीडिया या प्लास्टिक वगैरह जो होती है उसको स्टेरलाइज किया जा सके बाकी वेयर्स होते हैं वो भी इसी के थ्रू हम कर सकते हैं लेकिन वो ऑटोक्लेव रजिस्टेबल होने चाहिए सो so, ये इसके ऊपर सारे क्वेश्चन थे जो मैंने बता दिया नेक्स्ट ग्राम स्टेनिंग के ये पड़े हुए। ये हुए बड़े इंपॉर्टेंट हैं फर्स्ट वन है हमारे पास क्रिस्टल वॉयलेट विद ग्राम आयोडीन है जब हम बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं तो सबसे पहले हम ग्राम आयोडीन डालते हैं फिर क्रिस्टल वॉयलेट डालते हैं इन दोनों को डालने से एक कंपाउंड बनता है या कॉम्प्लेक्स बनता है ग्राम आयोडीन और क्रिस्टल वॉयलेट का इसकी वजह से जो है वो बैक्टीरिया जो है वो कलर ले लेता है जो कि उसकी पैप्टीडो से पेनिट्रेट करते हुए जाता है अगर तो वो ग्राम पॉजिटिव है तो क्योंकि उसके पास पेप्टीडो ज़्यादा होता है इस वजह से वो ये वाला उसमें पेनिट्रेट कर लेता है जब जब हम उसमें डिकलराइज़र डालेंगे तो वो हमें डी में पर्पल कलर ही शो करेगा सॉरी uh, डिकुलराइज uh, uh, करने से उसका कलर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद सेफरिन चूंकि पिंक है तो uh, ये वाला दोबारा से कलर हमें शो नहीं होगा सो so बेसिकली कहने का मतलब ये है इसको हम इंशाल्लाह तफसील से करेंगे कि ग्राम पॉजिटिव जो है वो पर्पल कलर लेता है और ग्राम नेगेटिव पिंक लेता है जो पॉजिटिव है वो इन दोनों वजह जैसे लेता है क्रिस्टल वॉलेट और ग्राम आयोडिन वजह जैसे और सेफरिन पिंक होता है ये ग्राम नेगेटिव में होता है डीकुलराइजर डालने से जो है ये क्रिस्टल वॉलेट और ग्राम आयोडिन का कलर ख़त्म हो जाता है और सैफरीन जो है वो ग्राम नेगेटिव में दोबारा कलर ऐड कर देता है लेकिन ग्राम पॉजिटिव में दोबारा कलर ऐड नहीं करता ये और वाइस क्लेव इसके ऊपर ही लिखा हुआ है यहाँ से पता चले कि ऑटो क्लेव या दूसरी इसकी निशानी ये है कि इसमें हम प्रेशर देख सकते हैं प्रेशर जो है वो ज़्यादातर मशीनस पर नहीं होगा इस 15 पर ज़्यादा मिलेगा हमें फ़िफ्टीन पाउंड पर स्क्वेयर इंच का हमने प्रेशर मेंटेन करना है और टाइम पीरियड फिफ्टीन है मिनट है और टम्परेचर वन ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस है ये चॉकलेट एगर है एनरिचमेंट एगर, या, या एगर के तौर पर इसका कलर जो है वो चॉकलेट की तरह ही होता है और ये ब्लड एगर की ही मॉडिफाइड फॉर्म है ब्लड चूंगे रेड कलर का होता है और उसको अंदर थोड़ा सा ब्राउनिश अगर कंट्रास्ट आ जाएगा तो वो चॉकलेट एगर की फॉर्म ले लेगा नेक्स्ट अलाइजा प्लेट है ये जस्ट लाइक अलाइज़ा प्लेट होती है ना छोटी छोटी जैसे आइस क्यूब्स के लिए छोटी छोटी बॉक्सेस बने होते हैं उस तरह के ये हैं इसमें छोटे छोटे जो हैं वो खाने से बने होते हैं तो अलाइजा जो है वो पीसीआर के लिए भी यूज़ होती है और खुद से अलाइजा टेक्निक के लिए भी यूज़ होती है ये वाली प्लेट सो ये दोनों में हम लिख सकते हैं इसके ऊपर अलाइजा टेक्निक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है इसका प्रिंसिपल बताएं इसके अलावा ये ये हम किसके लिए करते हैं वो क्वेश्चन आता है ये मैकोन की एगर है ये ब्लड एगर से मिलती जुलती होती है इसका सबसे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि इसके ऊपर मार्किंग्स होती हैं जस्ट लाइक दैट इसके ऊपर ज्यादा मार्किंग्स होती हैं और इसका जो जलोनीज इसके अंदर जो क्लोनीज होती हैं वो प्रोमिनेंट होती हैं एज कंपेयर टू द ब्लड एगर तो so ये इसके मैकोन के एगर के डिफ्रेंशियटिंग पॉइंट्स हैं दूसरा ये जो एगर है इसकी क्लासिफिकेशन है आइडेंटिफिकेशन एगर इसके आइडेंटफ़िकेशन एगर हम इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये जो है डाइस इसके अंदर बने होते हैं यानी कि डिफ्रेंशन हुई होती है दैट्स वाई हम इसको आइडेंटिफिकेशन एगर या या, या फिर इंडिकेटर एगर भी बोलते हैं या डिफ्रेंशियल मीडिया भी बोलते हैं और इसके अंदर बेसिकली होता यह है कि डिफरेंट डाइसिस होते हैं डिफरेंट सबस्टांसिस होते हैं जो कि एम, इंडिकेटर के थ्रू जो इसके अंदर इंडिकेटर होता उसकी है उसकी इनकॉर्पोरेशन के थ्रू डिफ्रेंशिएट होते हैं यही इसके ऊपर क्वेश्चन आता है वाटर बात है इसकी निशानी ये होती है कि ये ही ज़्यादा लंबा होता है क्योंकि इसके अंदर पानी को रखना होता है और इसके इसका काम जस्ट एक ही होता है कि इसने वाटर के टम्परेचर को मेंटेन करना है सो इसी इसके ऊपर एक ही हमें जो है वो बेसिकली uh, कंट्रोल मिलेगा जो टेम्परेचर का होता है और इसका जो टम्परेचर मेंटेन करता है ये वो ट्वेंटी से सिक्सटी डिग्री सेल्सियस हो सकता है इसकी जो टाइप्स uh, हैं वो नॉन सर्कुलेटिंग हो सकती है सर्कुलेटिंग और शेकिंग बात वाटर बात हो सकता ये incubator है ये इंक्यूबेटर है इंक्यूबेटर जो है बेसिकली इसके ऊपर लिखा होता है इनक्यूबेटर दूसरा ये लेंथ वाइज ये बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द वाटर बाथ दिस वन इज इंक्यूबेटर और इसके अंदर भी हमें जो है वो दो जो है बेसिकली कंट्रोल्स मिलते हैं एक तो टम्परेचर कंट्रोल मिलता है दूसरा मीडियम कंट्रोल मिलता है क्योंकि हमने इधर बैक्टीरिया को या कॉलोनीज को ग्रो करवाना होता है इस वजह से इसके पास दो ये कंट्रोल्स होते हैं सैंटिफ्यूज मशीन नॉर्मली यूज होती है डिफरेंट लैब्स में तो इसके ऊपर ज़्यादा जो है वो ना मसला नहीं होता स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बाकी इसकी जो अंदर ये नज़र आ रही है डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स होती हैं इसको घुमाया जाता है और इसके अंदर सेडिमेंटेशन इसका प्रिंसिपल यूज़ होता है जिसके थ्रू जो डेंसर मीडियम होता है वो आउटवर्ड चला जाता है और जो लाइट मीडियम होता है जो लाइट या लेस डेंस होता है वो सेंटर में आ जाता है इसकी जो स्पीड होती है वो थ्री थाउजेंड से फाइव थाउजेंड आर एम पी होती है और टाइम पीरियड जो इसके लिए यूज़ होता है वो फाइव से फिफ्टीन मिनट होती है नॉर्मली ये ब्लड को प्लाज्मा से प्लाज्मा को ब्लड से लग करने से लिए, के लिए यूज़ होता है या यूरिन के डिपोज़िट्स को लग करने के लिए या प्रोटीन प्रेसिपिटेट uh, को अलग करने के लिए सो नेक्स्ट वन ओवन है ओवन भी जस्ट लाइक रेगुलर ओवन की तरह ही होता है लैब का भी और इसके अंदर एक ही कंट्रोल हमें मिलेगा इज़ uh, हमें टम्परेचर कंट्रोल मिलता है इसका टम्परेचर जो होता है वो 160 से 180 तक होता है इसकी प्रिकॉशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें हम नॉर्मली कल्चर मीडिया को ज़्यादा स्टेरलाइज नहीं कर सकते क्योंकि लिक्विड जो होता है वो बुरा बॉयल बॉरा, हो सकता है बाकी इसमें जो हम यूज़ करते हैं इसको वो लैब ग्लास ग्लासवेयर के लिए यूज़ करते हैं नॉन बर्निंग मटीरियल के लिए यूज़ करते हैं स्टेरलाइजेशन को यूरिन शुगर स्ट्रिप ये जस्ट यूरिन जो हम सैम्पलिंग लेंगे उसके लिए यूज़ होती है उस टेस्ट में यूज़ होती है तो जब वो प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें हम देख लेंगे नेक्स्ट वन टिश्यू रोटेटिंग प्रोसेसर ये भी ज़्यादातर लैब्स में अवेलेबल नहीं है लेकिन इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन भी नहीं आता ज़्यादा लेकिन इसको एज पिक्चर यहाँ पे शो किया गया है तो यहाँ से देखें हम इसको कर सकते हैं ये दोबारा ओवन है ओवन की निशानी उन्होंने बताई हुई है कि इसमें हमें टेम्परेचर कंट्रोल मिल रहा है जो कि मैंने पहले बताया था कि इसका टेम्परेचर जो होता है वन सिक्सटी से वन एटी डिग्री सेल्सियस से होता है ये इस केमिकल एनालाइजर है इस पर डिफरेंट कंट्रोल्स हमें देखने को मिलते हैं दीज आर केमिकल्स तो ये सिनेक्स सिसमैक्स का है ज़्यादा ये ओसपी में नहीं रखा जाता क्योंकि ये तो यूज़ नहीं होता टिशू कटर भी ज़्यादा नहीं यूज़ होता है जस्ट लाइक कीमा मशीन उस तरह ही ये टिशू कटर होता है इसमें हम टिशू को रख के काटते हैं ताकि उसको स्लाइड में हम लगा सकें तो फिर ऑटोक्लेव की पिक्चर आ गई तो ये रिवाइज हो जाएगा वाटर बाथ है ये भी रिवाइज हो जाएगा यहाँ से इसकी रेक्टेंगल जो होती है वेथ ज़्यादा होती है तो दोबारा से ऑटोक्लेव की मशीन यहाँ पर पड़ी हुई है ये फुल उसकी पिक्चर है ये हम पहले चेक कर रहे थे वाइज क्लेव लिखा होता है नीचे तक जो है वो ऑटोक्लेविंग के लिए यूज़ होता है फ्लेम फोटोमीटर भी ज़्यादा नहीं रखा जाता है इसके ऊपर ही वैसे लिखा होता है एफ पी ट्वेंटी ज़्यादातर निशानी इसके ऊपर ही होती है और इसमें हम आ, थर्ड ईयर में ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है आई थिंक कोई प्रैक्टिकल नहीं है सेकेंड ईयर में ये यूज़ हुआ है डेट्स वाइज को स्कीप किया जा सकता है so, तो ये सारे रिपीट हो रहे हैं ये न्यू है लास्ट विंग मशीन जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि इस पर हम वेट करते हैं ये डिफरेंट बच्चों ने यूज़ भी की होगी इसके ऊपर एज इट इज़ कोई क्वेश्चन नहीं आता ओवन हमने पहले भी देख लिया था और यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है इनशाला मिलते हैं अगली वीडियो में डैट विल बी हिस्टोलॉजिकल जो स्लाइड्स यूज़ होती हैं उसके ऊपर दैन फिर हम इसकी जो नॉर्मल पिक्चर्स आती हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें उस के लिए जो स्टूडेंट परेशान है उनको ये वीडियो लाजमी शेयर करें मिल